Hi, this is PS Rathore, international motivational speaker, corporate trainer, firewalk trainer, business coach, honored at House of Commons British Parliament. आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्री मोदी जी का PM बनने का रहस्य. वो PM बने कैसे? आप सभी में एक जादू है, आप सभी में एक दैत्य है. आपको इस जादू को सीखना पड़ेगा, अपने अंदर छुपे हुए दैत्य को उठाना पड़ेगा. अगर आप उसे नहीं उठाएंगे तो सोए सोए वो मर जाएगा. आपको एक जादूगर बनना पड़ेगा, ऐसा जादूगर जो एक दिन उठेगा तो पूरे देश को जगा देगा. क्योंकि आप ही शिव हैं, आप ही ब्रह्म हैं, तभी वेद कहता है अहम ब्रह्म आस्मि. आपके अंदर एक जायंट है, इस जायंट को आपको उठाना पड़ेगा. और ये जायंट कहीं और नहीं है, आपके शरीर में छुपा हुआ है, आपके शरीर में छुपा हुआ रहस्य है. मोदी जी के शरीर में छुपा हुआ रहस्य था. और ये रहस्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में था, ये रहस्य पूरे विश्व में देखा जाता है. यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को ने ये बात कहा है कि हमें अपनी बातें कहनी आनी चाहिए, बातों को कहने में शरीर का प्रयोग करना आना चाहिए. अगर जिस दिन हम अपने शरीर की भाषा को समझने लगेंगे उसी दिन वो रहस्य खुल जाएगा. क्योंकि हमारी सफलता का राज श्री हब में है, आप में है. अगर आप असफल हैं तो सिर्फ आपके कारण है, अगर आप सफल होंगे तो सिर्फ अपने कारण होंगे. मैं उस सफलता का रहस्य बताऊंगा, उसी रहस्य को मोदी जी ने यूज किया था. इज ए प्लांट कम्युनिकेटर और प्लांट करके सब कुछ कम्युनिकेट करते हैं. ये इनकी चीज है और विजनरी है, इनके पास विजन बहुत तगड़ा है और इसको कम्युनिकेट करते हैं. जो उनके दिल में वो कम्युनिकेट कर देते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को कहता है कि हमारी सफलता में हमारी कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा योगदान है. आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप अपने आप को समझते हैं, ये सभी चीज निर्धारित करता है कि आपके सफलता का दर क्या होगा. यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को कहता है कि सिर्फ 7% आपके शब्द मायने रखते हैं और उसके बाद 93% आपके शरीर की भाषा मायने रखते हैं. और वेद में भी लिखा गया है शरीर देवों की भाषा है. अगर हम अपनी शरीर में छुपी हुई भाषा के गुण को नहीं समझेंगे, उसके क्लू को नहीं समझेंगे, उसको क्यूज को नहीं समझेंगे, तो दुनिया हमें नचाती रहेगी और हम नाचते रहेंगे. मोदी जी अपने शरीर की भाषा का कैसे यूज करते हैं और यह रहा उनका पहला सीक्रेट जो उन्हें हिंदुस्तान को नहीं बल्कि विश्व की तमाम नेताओं से अलग करता है. वो ओबामा के भी करीब होते हैं, वो पुतिन के भी करीब होते हैं, वो ट्रंप के भी करीब होते हैं, वो सबके करीब होते हैं. क्या मुरलीधर हैं? क्योंकि उनको अपने शरीर की भाषा का प्रयोग करने आता है, शरीर में छुपी हुई रहस्यों को जानना आता है, शरीर में छुपी हुई रहस्यों को यूज करना आता है. आप तो दो दोस्तों को मैनेज नहीं कर पाते, दोस्त से अनबन हो जाती है तो आप पता नहीं गीले सिक्वे लेके बैठ जाते हैं और फिर आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं दुनिया का शक्ल दिख रहा है, लोग कैसे बदलते हैं. अरे दोस्तों, अपने शरीर की भाषा को समझो, दुनिया आपकी भाषा को समझेंगी, आपकी कायल हो जाएंगी. जैसे आज पूरा विश्व मोदी जी की भाषा का कायल है, उनकी वाणी का कायल है, उनके कपड़ों का कायल है, उनके चलने के तरीके से कायल है, उनके खड़े होने के कायल से है. यही मेरी चाहत है कि आप शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर में शक्ति है, आपके शेयर में दम है, आपके शेयर में ऊर्जा है, आपके शेयर में कनेक्शन की एबिलिटी है. आप अभी तुरंत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. इसके लिए ये पीस पीएस राठौर आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता है, प्रणाम करता है, नमस्ते करता है कि आपने सहयोग दिया और इस चींटी की तरह चलने वाला जो इंसान कंट्रीब्यूशन देना चाहता है आप उसके साथ ही बन गए और हम सब साथ हैं. आपने मुझे जीत लिया क्योंकि आपने शेयर किया. एक बार फिर कहता हूं, तहे दिल से इसे इतना शेयर कीजिए कि आग लग जाए, इसको इतना सब्सक्राइब कीजिए,
इसको लाइक कीजिए। ये पीएस राठौर को, ये पीएस राठौर आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता है, आपने मुझे जीत लिया, क्योंकि आपने शेयर किया। नहीं किया तो तुरंत कीजिए। एक बार फिर कहता हूं, इसको इतना शेयर करें कि आग लग जाए, हर युवा की धड़कन में पहुंच जाए। और मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं। ये पीएस राठौर आपको नमस्ते करता है, आपको धन्यवाद करता है, क्योंकि आप देश के नव निर्माण में विचारधारा से ऊपर उठकर देश को सोचने में आगे आ रहे हैं। आपकी कर्मठता का, आपके दिल से काम करने की जज्बा का, आप में उस ऊर्जा को जिसको आप रूपांतरित करते हैं देश के निर्माण के लिए, उसके लिए मैं सत सत नमस्कार करता हूं। थैंक यू वेरी मच, दिल से खुदा हाफिज। गॉड भला करे, भगवान भला करे, जीसस भला करे, शिव भला करे, सभी भला करें और आप उन्नति करें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू सो मच।